लोग परेशान हैं, हाथरस में, सिकंदराव में, एटा में, जहां अलीगढ़ में तमाम जगहों पर जो घायल हैं उनको भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बाबा का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आखिर बाबा नारायण हरि का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लगातार हाथरस की पुलिस, एटा की पुलिस, अलीगढ़ के बड़े अधिकारी भी इस पूरे मामले की पड़ताल करने में जुटे हैं। बाबा का फोन बंद आ रहा है, बाबा से कोई संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। ये सबसे अहम और बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पूरी घटना हुई है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हाथरस हादसे पर न्यूज 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इतने बड़े हादसे का गुनहगार कौन है, क्या 100 से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी और सभा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। सवाल यहां पर ये, हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और लगातार इसीलिए ये सवाल हमें खड़ा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर जब इस तरह का कार्यक्रम किया गया था, इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया था, इतने बड़े कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी, तो फिर लापरवाही क्यों बरती गई। रंजीत हमारे साथ बातचीत करने के लिए लगातार बने हुए हैं। रंजीत, जेएन मेडिकल कॉलेज में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, कितने लोग अब तक पहुंच गए हैं और क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, अब तक 4 घायल आ चुके हैं, अब यहाँ पर जेएन मेडिकल कॉलेज और ये डॉक्टर यहाँ पर वसी वाले पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं यहाँ पर ना बिगड़े इसलिए यहाँ पर यही रोक दिया गया है। और आगे पुलिस के तमाम और जेएन मेडिकल कॉलेज और एएमयू के डॉक्टर यहाँ पर व्यवस्था। बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी यहां पर सख्त हैं हाथरस हादसे को लेकर। सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है, ये बड़ी खबर। सीएम योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी ने रिपोर्ट तलब की है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी ने रिपोर्ट तलब की है, ये बड़ी खबर। हाथरस की सीमा से बाहर निकल चुके हैं बाबा, बाबा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर। और राजीव बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, इतना बड़ा हादसा होता है, अनुमति दे दी जाती है, एलआईयू की भी क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन सवाल यहां पर यह कि 50,000 लोगों को मैनेज करने के लिए सिर्फ चंद पुलिस वालों को भेज दिया जाता है। देखिए, यकीनन कहीं ना कहीं एक स्थानीय स्तर पर बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है, जिसका खामियाजा आपको देखने को मिल रहा है कि करीब 100 से अधिक लोगों की मौत की खबरें हाथरस से सामने आ रही हैं। क्योंकि जब भी इस तरह का आयोजन होता है तो स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं स्थानीय, उनसे भी अनुमति मांगी जाती है। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि ये जानकारी पुलिस और प्रशासन के जानकारी में रहे, ताकि वहाँ पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम और वहाँ पर जो अन्य सुविधाएँ हैं उनके इंतजाम किए जा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं इस सत्संग के मामले में अनुमति तो दे दी गई, लेकिन दोबारा रिव्यू नहीं किया गया, जिसका राजीव रोक रहा हूं मैं आपको। एनडीआरएफ के नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। बताया जा रहा है कि आप भी सिकंदराव के लिए घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है वहां पर घटनास्थल से कि वहां पर एक स्टैम्पेड हुआ था, लगभग 3 बजे के आसपास हुआ था, जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं और 80 के करीब लोगों का डेथ हुआ है। घायलों को अभी जिला अस्पताल हाथरस और अलीगढ़ में ले जाया गया है। हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ से रवाना हो गई है गाजियाबाद से, जिसमें हमारे 2 डॉक्टर हैं, 14 पैरामेडिक स्टाफ हैं जो ट्रेंड एमएफआर होते हैं, उनकी टीम हमने निकाली है, उनके साथ 2 एम्बुलेंस भी भेजा है। इसके अलावा हमारी एक फुल जो एनडीआरएफ की एक टीम होती है, टीम कंसेप्ट हमारा होता है, उसमें 35 से 40 लोग जा रहे हैं, उसमें 2 अधिकारी भी जा रहे हैं और उन वहां पर घायलों की मदद सहायता करने के लिए। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन या तमाम जो चीजें हैं, जो परिजन हैं, उनकी भी मदद एनडीआरएफ के जवान वहां पर करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, हमारा काम ही है किसी भी प्रकार के डिजास्टर को में मदद करना, स्थानीय प्रशासन को मदद करना, जो घायल है उनको मदद करना, निश्चित रूप से हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनडीआरएफ गाजियाबाद से यहां पर बातचीत कर रहे थे नीरज कुमार जी, जिन्होंने यहां पर जानकारी दी है न्यूज 18 को लगातार इस वक्त की सबसे। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। राजीव, आप अपनी बात को पूरा करके और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या इस पूरे मामले में सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है, क्या इस पूरी घटना में कई अफसरों पर गाज भी गिर सकती है?
देखिए यकीनन जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासा दुखी और नाराज भी हैं कि आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे बरती गई। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे के अंदर जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी कि आखिर हादसे की असल वजह क्या थी, उसके बाद आपको ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल सकता है। फिर वो चाहे स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो या फिर जो आयोजक थे उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि रिपोर्ट मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस जा सकते हैं, वहां पर संबंधित घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, जो घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, उनका इलाज किस तरह से किया जा रहा है इसका भी जायजा ले सकते हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री ने हाथरस के जो जिला प्रभारी मंत्री हैं उनको भी तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया है। यानी कि योगी सरकार के तीन बड़े मंत्री जो हैं वो इस वक्त घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ ही मिनटों में वो घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मुख्य सचिव हो, DGP हो, ADG हो, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। ये लोग पहुंचने के बाद पूरी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताएंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरे हादसे में एक ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी ताकि दोबारा इस तरह का कोई घटनाक्रम ना हो और जो इस तरह के निर्दोष लोग हैं उनकी इस तरह की अव्यवस्था के कारण उनकी जान न जाए। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी संपर्क में है उनसे पल पल की सुमित ने मौके पर जाकर जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में प्रवचन सुनने पहुंचे भक्तों में अचानक से भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई है। दरअसल जब बाबा प्रवचन खत्म करके वहां से निकल रहे थे तभी भक्तों के द्वारा बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए एक साथ वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके कारण वहां उमस की वजह से लोगों का दम घुटने लगा और उसके बाद लोग वहां से जो है एकत्रित हो गए और वहां पे भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद बाबा वहां से निकल गए और लगभग कई लोगों की मौके पर मौत हुई थी। जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाए। वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर लगभग 100 से अधिक शव मौजूद हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी उनको पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से भिजवा रहे हैं। वहीं आगरा ADG भी मौके पर हैं और प्रदेश के मुखिया, पुलिस के मुखिया DGP भी कुछ ही क्षणों में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। सुमित शर्मा, News 18, हाथरस। जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की, वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है उनका। जिले से आए थे आप? जिला बदायूं से। क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, एक वो एक नहीं है। कैसे हुआ या क्या हुआ था? ये पता ही नहीं, सब संगत में इधर को लोग गए हैं, वो पता ना क्या हुआ क्या ना हुआ। कितने लोग गायब होंगे लगभग? हमें ये पता जानकारी नहीं है। तो गायब है और भी लोग गायब हैं? और भी गायब सुने जाते हैं। नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। साल की बच्ची आपकी? छाया नाम है, आगरा से आए हम। बच्चे का नाम क्या है? छाया। कै साल की है? 15 साल की। अरे काम वाले नहीं भेजे? नहीं मिल रही भैया। आप भी उस सत्संग में थी? क्या अच्छा चल रहा था? ओ भैया, कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे दब गए, बहुत पवन का ऊपर अकेले कर गई, भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले भी आ गए, बहुत लोगों की हो गई। क्या हुआ, क्या हादसा हुआ? एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा के सत्संग में भीड़ हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ आई भैया। कितने लोगों की मौत हुई? जाने अब मन्ना गिन्ने भैया, कितने की भैया? कितना बता रहे हैं लोग? बता, बहुत लोग थे। क्या पूरा का हुआ, कैसे घटना? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था लगने के लिए जगह नहीं थी। तो एक शकुंतला देवी जी, ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है जी? हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव। सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हत्या खत्म है, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हत्या,
सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे अटकाए वो नालों से, तो गांव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से दबने से मौत हुई दबने से। सत्संग मैया भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी भाई हाँ। और वहाँ कींच भी थी थोड़ी बहुत हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए की वजह से। बच्चा मेरे दोनों दो नीचे बच्चे हाँ मेरे दो बच्चे हैं खत्म हो गए हाँ। कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या हाँ। और यहाँ से कुछ प्रशासन में हटा भी ले लो लाइव। कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा 107 काउंटिंग है पूरी? काउंटिंग है पूरी। अच्छा अपने हाथ से गिनती की है? 107। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार वाशनी बिंकू। अच्छा तो यहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है सब बॉडी? अंदर भी है, अंदर भी है, उस तरफ भी है, कमरे में भी है। 107 बच्चे डॉक्टर न होने की वजह से पर मौत हुई है। ये योगी जी अगर मेरी बात सुने हो तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है? तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझमें धक्का मारा है। चल हट। और डीएम साहब ने बोला क्या गल ले जाओ, गल ले जाओ बॉडी को। हमारी मांग ये है कि देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए, डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर। तो दूसरे नंबर तो बड़ी खबर आगरा एटा से पीएससी कंपनियां पहुंची हैं, बड़ी खबर अलीगढ़ से भी पीएससी की कंपनी पहुंची है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसटीआरएफ की 2 कंपनियां भी मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर। हाथरस पहुंचे 3 PSC कमांडेंट। आगरा एटा से पीएससी की कंपनियां पहुंची हैं। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से भी पीएससी की कंपनी पहुंची है। एसडीआरएफ की 2 कंपनियां भी मौके पर पहुंची हैं। ये बड़ी खबर। हाथरस पहुंचे 3 PSC के कमांडेंट। आगरा एटा से पीएससी की कंपनियां पहुंची हैं। अलीगढ़ से भी पीएससी की कंपनी पहुंची है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको इस वक्त। एसडीआरएफ की 2 कंपनियां वहां पर पहुंची हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हाथरस में किस तरीके से घटना। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, आसपास के जिलों से भारी संख्या में फोर्स पीएसी एनडीआरएफ तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि हाथरस में कानून व्यवस्था का माहौल पूरी तरह से बना रहे, गड़बड़ाए नहीं। जी अनुपम, देखिए पीएसी ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी फोर्स वहां के लिए रवाना कर दी है। कुछ ही देर में वो पहुंच रहे होंगे ऐसा बताया गया है। आगरा एटा अलीगढ़ से 3 कमांडेंट पीएसी के हाथरस पहुंच चुके हैं। उनकी जो कंपनीज हैं वो भी कुछ ही देर में वहां पहुंच रही हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी वहां के लिए रवाना कर दी गई, वो भी कुछ देर में पहुंच रही हैं। हाथरस में जो राहत एवं बचाव कार्य चलना है उसमें पीएसी इन्वॉल्व होगी। वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो उसमें भी पीएसी लगाई जाएगी। प्राथमिकता चूंकि शासन की है, ऊपर से निर्देश दिए गए हैं, लिहाजा पीएसी मुख्यालय भी पुलिस मुख्यालय के साथ पूरे हालातों पर मॉनिटरिंग कर रहा है, नजर बनाए हुए है। और ये कहा गया है किसी भी तरह से पुलिस या पीएसी की ओर से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अनुपम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इस पूरी घटना पर काफी नाराज हैं, सख्त फैसले ले रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए आने वाले कुछ घंटों में कोई बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है? देखिए अभी जो बताया गया है उसके मुताबिक जो स्थानीय प्रशासन है उससे रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आखिरकार एक बड़ा आयोजन हो रहा था, परमिशन किसकी थी और क्या अगर परमिशन थी वहां पर तो जो और व्यवस्थाएं होती हैं पुलिस से लेकर स्थानीय प्रशासन की वो कितनी चाक चौबंद थी, कितना डिप्लॉयमेंट था, क्या LIO को जानकारी थी यहाँ पर कितनी भीड़ हो सकती है। अगर भीड़ का जो भी अंदाजा LIO ने लगाया था क्या उसके मुताबिक ऊपर रिपोर्ट भेजी थी तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? तो ये मान के चलिए अनुपम कि स्थानीय प्रशासन के ऊपर पैनी निगाह बनी हुई है, लेकिन फिलहाल शासन की प्राथमिकता यही है कि राहत एवं बचाव कार्य को शीर्ष स्तर पर ले जाया जाए, लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। लेकिन जैसे ही ये टाइम खत्म होगा तो ये मान के चलिए इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ है, कई अफसरों के ऊपर हादसे की गाज जरूर गिरेगी। अनुपम,
लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है ऋषभ, जब इस तरीके की अहम घटना दिखते हैं तो सवाल यहां पर यह, क्या सिर्फ अनुमति दे देने से अधिकारियों की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, या 50,000 एक लाख लोग अगर कहीं पर जुट रहे हैं तो वहां पर ग्राउंड पर जाकर स्थिति देखने की जिम्मेदारी क्या अफसरों की नहीं है? जी बिल्कुल अनुपम, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है, क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी इसी पॉइंट पर मंथन चल रहा है, इसी की जानकारी ली जा रही है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा था जिसमें भारी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं वहां पर, अगर स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी थी तो स्थानीय प्रशासन ने क्या कदम उठाए, क्या वहां पर इस तरह के इंतजाम किए थे, क्या कोई वहां पर प्लान भी था, क्या वहां से निकलने का कोई रूट बनाया गया था, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ था उसमें जो बिजली की व्यवस्था थी वो कैसी थी, ऐसे तमाम सवाल वहां पर उठे हैं। तो अभी फिलहाल इन 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 सवालों के जवाब स्थानीय प्रशासन से मांगे जाएंगे, लेकिन अभी जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ये तय किया जा रहा है कि कैसे राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाया जाए। जैसे ही चीजें स्टेबलाइज होंगी अनुपम, ये मान के चलिए कई लोगों के ऊपर गाज गिरेगी, जिम्मेदारी जरूर तय की जाएगी। इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की जान गई है, किसकी लापरवाही हुई है उसके ऊपर गाज जरूर गिरेगी। LIU की क्या भूमिका थी, पुलिस की क्या भूमिका थी, स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका थी, सबकी जिम्मेदारी तय की जाएगी अनुपम। क्या माना जाए, जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा प्रतापगढ़ में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई थी, तो इस तरह के जो धार्मिक आयोजन होते हैं या फिर जो प्रवचन दिए जाते हैं, सत्संग किए जाते हैं, उसमें भीड़ का कोई पैमाना तय नहीं किया जाता है, कुछ इंतजामों को परखा नहीं जाता ऋषभ कि कितनी भी भीड़ है वो चली आएगी और उसको काबू में करने के लिए कोई इंतजाम नहीं होंगे? देखिए अनुपम, कई दफा ऐसा भी होता है कि देखना पड़ता है कि जिला पुलिस के पास नफरी कितनी है, उनके पास कितनी फोर्स है, कितना बड़ा आयोजन हो रहा है। अगर कोई बड़ा आयोजन हो रहा है और स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेकर वो आयोजन हो रहा है तो फोर्स मंगाई जा सकती है, फोर्स के लिए बाकायदा पेमेंट की। क्या किसी की विफलता लग रही है, क्या लग रहा है प्रशासन का? अब असफल है, प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जब इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे थे तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी, और जब कोई घटना हुई है तो अब व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए थी, इलाज भी होना चाहिए थी, तो अभी तक इलाज भी ठीक से नहीं दिया जा पा रहा है। और तो शिवपाल सिंह को आप सुन रहे थे, शिवपाल यादव यहां पर बोल रहे थे। ऋषभ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, ऋषभ आपको मेरी आवाज आ रही है? रंजीत हमारे साथ बातचीत करने के, रंजीत क्या स्थिति है, अब कितने घायल वहां पर पहुंचे हैं? रंजीत आवाज आ रही है आपको मेरी? यहां पर प्रशासन से बात हुई है जिनका साथ। जी 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 बताइए। मैं इस वक्त यहीं पर मौके पर मौजूद हूँ, अब तक चार यहाँ पर आ चुकी हैं जिनका उपचार किया जा रहा है, और अभी मेरी प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सूचना मिल रही है तो अभी कुछ घायल और रास्ते में है जो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, इसलिए जो घायल है वो कुछ देर में अभी और आएंगे जिनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। डॉक्टरों का पैनल पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है और जो इलाज यहाँ पर हर संभव अच्छे से अच्छा इलाज हो सकेगा। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से पूरी घटना हुई है, हाथरस में सत्संग के दौरान किस तरीके से भगदड़ मची, लोग काफी आक्रोश में वहां पर हैं। बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, लगातार हमारे संवाददाता पूरा अपडेट हमें दे रहे हैं, और यहां पर बड़ी खबर आ रही है हाथरस में हुई दुर्घटना के विषय में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अमित शाह ने बातचीत की है, जानकारी ली है और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। शीघ्र ही NDRF की मेडिकल टीम भी हाथरस पहुंच रही है, तो अमित शाह ने यहां पर पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार, हाथरस के लिए कई टीमें पहुंच रही हैं, PSC की कई टीमें वहां पर पहुंच रही हैं, और जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसके बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तो लगातार बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हाथरस में 100 से ज्यादा मौतें होने के बाद अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि कार्रवाई कब होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, जो पोस्टर जारी हुआ था उसमें जो आयोजक थे उनकी गिरफ्तारियां कब होंगी,
सवाल यहां पर यह है कि क्या इतने बड़े आयोजन में 50,000 से ज्यादा लोग जुट रहे हैं और जिले में 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर बैठने वाले जिम्मेदार अफसर क्या सिर्फ दफ्तरों में बैठे रहेंगे, वहां जाकर ये व्यवस्था नहीं देख सकते थे कि जाकर के वहां पर कि किस तरीके से निकलने की व्यवस्था है कि नहीं है लोगों की। हाथरस के हादसे पर एक्सक्लूसिव जानकारी, उनका दर्द कौन समझेगा जिनके अपने चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना में कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर बननी चाहिए। हाथरस के घटना पर एक्सक्लूसिव जानकारी यहां पर हम दे रहे हैं। बाबा के पोस्टर पर आयोजकों के नाम हैं, अब इनके खिलाफ मुकदमा कब दर्ज होगा। देव प्रकाश मधुकर का पोस्टर में नाम है, आयोजक थे, व्यवस्था नहीं देख रहे थे क्या वहां पर। महेश चंद, नार सिंह, संजू यादव, ये तमाम लोग आयोजक थे, 50,000 लोगों को वहां पर बुला लिया और व्यवस्था नहीं की। बाबा के पोस्टर पर आयोजकों के नाम, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पंद्रह से 20 किलोमीटर की रेडियस पर, और सुनिए प्रशासन की बाइट आ रही है, सुनवाते हैं आपको। ये करीबन 3:30 के आसपास सूचना आई थी कि इस तरीके से मतलब मच गई है, और मच्छी के बाद में जब तक कारण पता नहीं लग रहा है, जो पता लगा है कि वहाँ पर कुछ लोग जो हैं जिनका प्रवचन था उनके पाँव इत्यादि करने का प्रयास किया, उसके बाद उनको जब रोका गया वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई और भीड़ एक के ऊपर एक गिर पड़ी, जिसमें 27 डेड बॉडीज ऐसा पहुँच चुकी है जो कि यहाँ पर 50 के आसपास डेड बॉडी यहाँ आ गया अटैक। अभी हम लोग और स्नान कर रहे हैं और बेस्ट ट्रीटमेंट है जो तो भी हम लोग दे सकते हैं, उनका प्रयास चल रहा है। एम्बुलेंसेज अतिरिक्त मंगाई गई है, उपचार कराया जा रहा है। माथुर है, सुन रहे थे आप सेलम माथुर को, घटना के बाद से सभी आयोजक लापता हो गए हैं, अब पुलिस ढूंढे इनको, आयोजकों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, सभी आयोजकों के फोन बंद हैं। बाबा का पता नहीं चल पा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर वो पोस्टर देखिए, इसी में ये नाम लिखे हुए हैं, नीचे देख रही है, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव पोस्टर है, इसी में इन लोगों के नाम है कि आयोजक हैं, बड़ा दम भर रहे थे वहां पर कार्यक्रम करने का, लेकिन ऐसा हादसा हुआ है कि अब सवाल यहां पर है कि पुलिस इनके पीछे है। ये नाम संजू यादव, चंद्रदेव, राम प्रकाश, अनार सिंह, महेश चंद, देव प्रकाश मधुकर, ये 6 नाम बकायदा ये पोस्टर लगाए गए थे वहां पर, कई दिनों से इस भव्य सत्संग की तैयारियां हो रही थी, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, ये प्रचार वहां पर किया जा रहा था, लेकिन अब लाशों का रेला लगा हुआ है अस्पतालों में, पूछिए उनके परिजनों से, उनका दर्द पूछिए, कोई पूछने वाला वहां पर, सब जा रहे हैं, अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बाबा का पता नहीं, प्रवचन देने के लिए तो पूरा मजमा लगा लिए थे और अब गायब हैं, अब बाबा का पता ही नहीं है। बाबा के पोस्टर में देखिए आप आयोजकों के नाम है, अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हाथरस में भोले बाबा का प्रवचन चला, पोस्टर लगाए गए, ये देखिए आप, चंद्रदेव, महेश चंद, अनार सिंह, ये नाम है, इनके पोस्टर भी दिखा दीजिए आप, ताकि पोस्टर भी दर्शक देख लें, ये नाम तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं, पोस्टर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको कि ये पोस्टर लगाया गया था बकायदा हाथरस सिकंदराव की सड़कों पर। इतनी भीड़ बढ़ रही थी, 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ रहे थे, सिस्टम क्या काम कर रहा था वहां पर, क्यों जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं थे। प्रभारी लिखा गया देव प्रकाश को, कार्यक्रम का प्रभारी वहां पर लिखा गया।